हाय दोस्तों मैं गहना वर्शिष और आप सबका फिर से स्वागत है द गहना शो में और हमारे गेस्ट करण के साथ हम फिर से आगे की बातें कंटिन्यू करेंगे प्लीज गो सो मुझे एक बात बताओ आपने कौन कौन से टीवी शोज किए हैं जो पब्लिक को नहीं पता है प्लीज टीवी शोज अपने एक्सपीरियंसेस लोगों के साथ शेयर करिए so, शो, शो का नाम था। मैं साथ में ऑडिशन के लिए बहुत लगी थी एक्टली सो so, <coughs> भाग्य विधाता ही शो का नाम था तो भाग्य ने जो है और विधाता ने मेरा भाग्य लिख दिया कि भाई हाँ। तुम इसी इंडस्ट्री में रहो हाँ। उसके बाद ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा वो भी कलर्स पे फिर बड़ी दूर से आए हैं सब टीवी वो तेरी भाभी है पगले सब टीवी उसके बाद एंड टीवी पे हाफ मैरिज और बेपना प्यार ऑन कलर्स ये सब शोज थे इसके बीच में भी कुछ 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 चलता रहा एंड देन आई मूव टू वेब सीरीज तो मेरी अभी रिसेंटली वेब सीरीज आई है अवरोथ टू और सोनी लिव

एक और एक ग्यारह हो जाते हैं कई बार हाँ। कि आप जा रहे हो तो कई बार ऐसा देखते हैं कि अरे यार, यार इतनी सुंदर लड़की साथ में आई है तो मुझे भी, था लगे था कि आ तुम भी आ जाओ और कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पे मैं पहले कई बार गया होता था तो मुझे लगता है ये मेरी फ्रेंड है जरा इनका भी इंट्रो ऑडिशन हाँ। ले लीजिए तो हम दोनों ना एक दूसरे के एज पार्टनर जैसे हो गए थे ऑडिशन हाँ। देने में और फिर थोड़े टाइम बाद तो लोग जानने भी लगे थे कि अच्छा हाँ ये दोनों आए तो अक्सर आते रहते हैं बैठ कॉफी भी कॉफिया लगे थे हम लोग इतनी फ्रिक्वेंट चक्कर मारे प्रोडक्शन हाउस और करण याद है उन दिनों हम लोग फोटोज लेके घुमा करते थे हार्ड कॉपीज करता था ज्यादा हार्ड कॉपीज थी यार ऐसे बोल के ना लोगों को तुम हमारी एज बहुत <laughs> ये सब अंदर की बातें नहीं बताते हार्ड कॉपी हम सब मेल के टाइम पे आए थे की हार्ड कॉपी हमने कोई हार्ड बनवाई हाँ, हाँ, नहीं नहीं कोई हार्ड कॉपी को नहीं थी सॉरी 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 मेल मेल करते थे मेल रहे, मेल, हाँ, हाँ, मेल हाँ, करते थे अच्छा करण और बताओ हाँ जी कुछ सो जो दोस्त थे हाँ, जिन्होंने तुम्हें हाँ, बोलना हाँ, शुरू किया कि यार करण व्हाई डोंट यू ट्राई एन एक्टिंग हु, ये सब की तब का जो नजरिया था तुम्हें लेकर के और आज वो तुम्हें कैसा ट्रीटमेंट देते हैं कैसे चीजें बदल गई हैं वो पहले जैसे आज भी वैसे हैं? अच्छे लगते हैं, होने चाहिए। हाँ। ही हैं। दोस्त कभी नहीं अच्छे लगते है हाँ। तभी बोलते हैं है, तो, <laughs> <laughs> है। हाँ। मेरे कॉलेज अब तक मेरे फ्रेंड्स है और शोज के दौरान भी जो दोस्त बने वो अब तक मेरे दोस्त है तो भगवान ने मुझे बहुत अच्छे दोस्त दिए

तो ना ये ग्लैमर की इंडस्ट्री है ना ये पैसों की इंडस्ट्री है ये पैशन की इंडस्ट्री है अगर आपके अंदर वो जो कीड़ा है टिके रहने का या फिर वो पैशन है कि यार आप आप यू नो लगे लगे रहो लगे रहो आप धूप में घूम सकते हो और आप अकेले रह सकते हो अपनी फैमिली से दूर रह सकते हो अपने एक्सपेंस खुद हैंडल कर सकते हो और रिजेक्शन फेस कर सकते हो exactly. तो फिर आपके लिए इंडस्ट्री बहुत अच्छी है लेकिन अगर आपको लगता है कि यार रातों रात

क्योंकि वो थिएटर किया करते थे पहले और उनके और मैं टी के साथ जुड़ा हुआ था बहुत साल पहले सो uh, so मैंने उनकी जर्नी बहुत क्लोजली देखी है कि यार बंदे ने और मतलब देखा जाए तो वो एक ऐसा वो हीरो मटेरियल वाला उनका फील नहीं है बट ही इज वेरी डेडिकेटेड टूवर्ड्स हिज एक्टिंग हिज क्राफ्ट और उन्होंने छोटे छोटे मतलब यूट्यूब के स्पूफ वीडियोज और छोटे 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 काम करते करते आज ही इज डूइंग वेरी वेल तो उनकी जर्नी मैंने क्लोजली देखी है इसके अलावा बहुत सारे टीवी एक्टर्स को मैंने क्लोजली देखा है जिन्होंने यू नो दोज आर डूइंग गुड नाउ और एक दो के नाम निर्भय वाधवा जो कि हनुमान ने जिन्होंने प्ले किया था ही वाज वन ऑफ माय रूममेट्स निर्भय वाधवा हां नो मिली थी तब नहीं ना कि तब नहीं नहीं तब 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 नहीं थे उसके बाद ओके okay. और निर्भय के साथ-साथ वसीम मुश्ताक इज माय वेरी गुड फ्रेंड उन्होंने भी काफी शोज किए हैं एज अ लीड एंड अभी मेरा एक फ्रेंड है हां समृद्धि uh, शुक्ला जो कि साबी की सवारी जो शो आता है कलर्स पे okay. जो उनकी लीड है सो आई नो क्वाइट वेल शी वाज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट और वॉइस uh, ओवर्स करते करते उन्होंने ऑडिशंस भी दिए अपने क्राफ्ट पे काम किया अपने स्किल्स uh, पे काम किया एंड शी इज डूइंग अ कलर्स शो एज लीड सो आई बिलीव कि आपकी मेहनत रंग लाती है पर वो कंसिस्टेंसी हाँ। भी होनी चाहिए बहुत जरूरी है आपको लगे रहना पड़ता है आप छोड़ नहीं सकते सो करण आप अपना इंस्टाग्राम लोगो को बताइए ताकि आपको फॉलो कर सके बिल्कुल इट्स सिंपल इजी है ना हाँ। करण कुछ और आप अपने दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे मैं यही कहना चाहूंगा कि आपके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अच्छा इसके अलावा ये कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करने और नहीं हाँ नहीं गाइस कि जो भी आपके सपने हैं ख्वाब हैं चाहे वो इंडस्ट्री के रिगार्डिंग हो चाहे वो आपके प्रोफेशन के बिजनेस के कोई यूपीएससी क्रैक करना चाहता है कोई मिलिट्री में जाना चाहता है कोई देश के लिए कुछ करना चाहता है सो बस लगे रहो मतलब जोश और जज्बे के साथ लगे रहो हाँ। और हो सकता है

अच्छा <laughs> चलो थैंक यू यू सो मच फॉर वाचिंग एंड सी सून और हाँ दोस्तों एक और चीज हाँ. अगर आपके पास कोई स्पेशल क्वेश्चन है करण के लिए हुँ. आप मुझसे पूछ सकते हैं मैं करण को दोबारा अपने शो में लेकर आऊंगी आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर के साथ में और आप करण की एक्टिंग क्लासेस जरूर ज्वाइन करिए क्योंकि मैंने भी करण से बहुत कुछ सीखा है ड्रीम्स टू गोल्स अकेडमी एक्टिंग क्लासेस का नाम है गूगल पे सर्च कर लीजिए जा, मिल जाएगा एंड आपके सवालों के लिए मैं तैयार रहूंगा नेक्स्ट एपिसोड में हम सवालों को जवाब दे देंगे Yes, so, okay guys, bye bye. Bye. Lots of love.